आजकल जो है वो बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग के साथ साथ जो है वो वॉइस एडिटिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा जो है वो वॉइस एडिटिंग आपकी मैटर करती है कि आप अगले बंदे को अच्छी तरह समझा पा रहे हैं या नहीं। अगर आपकी वॉइस के अंदर नॉइस होगी तो अगले बंदे को आप अच्छी तरह नहीं समझा सकोगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से वीडियो के अंदर से नॉइसेस आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे जो है वो नॉइस ऐड हो जाते हैं। कभी यहाँ से बाइक जा रहा है और कभी जो है वो एक्सटर्नल वॉइस यहाँ पर मेरे माइक के अंदर जो है वो आ जाती हैं, जिसकी वजह से वीडियो के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब बात करें इसको आप जो रिमूव किस तरह कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और पीसी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको जो पीसी में एंटर करना पड़ता है और बहुत लंबा जो है वो प्रोसीजर होता है। तो लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप जस्ट वन क्लिक पर अपनी वीडियो के अंदर से नॉइस आपको रिमूव कर सकोगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताते चलें कि मेरा नाम है जैन। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इसी चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पे मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आपने सर्च करना है नॉइस रिड्यूज़र। जैसे ही आप नॉइस रिड्यूज़र को सर्च करोगे यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस पे लिखा होगा MP3, MP4 और ऑडियो वीडियो कन्वर्टर। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी जो है वो इसको यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो एड्स को स्टॉप कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने लास्ट में आना, इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है वो ऑडियो को इंपोर्ट करना चाहते हो या वीडियो को। अगर आप वीडियो की नॉइस को रिड्यूस करना चाहते हो आप वीडियो सेलेक्ट करो, अगर आप ऑडियो की करना चाहते हो तो ऑडियो आपने जो है वो सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे फाइल में चला जाता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट किया, इस फाइल के अंदर से जो है वो नॉइस रिमूव हो रही है और यहाँ पर हमारी जो है वो वीडियो जो है वो कन्वर्ट हो रही है। हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं और हमारी वीडियो का जो वो नॉइस यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो प्रोसेसिंग जो हमारी फिनिश हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जो आपको ओरिजिनल वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर हमारी जो है वो नाइस थी। यहाँ पे आजकल जो है वो बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग के साथ साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है मेरी बहुत सारा नाइस थी। अब यहाँ पे मैं प्ले नॉइस लेस पे क्लिक कर लेता हूँ। आजकल जो है वो बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग के साथ साथ जो है वो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहली वाली वीडियो के अंदर हमारी जो है बहुत ज़्यादा नाइस थी और बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड शोर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले नॉइस लेस में जो है वो इसका हमारा जो है वो नॉइस रिमूव हो चुकी है। अब आपने इसको सेव किस तरह करना है, आपने सेव एज पे क्लिक करना है। अब इसका आपने फॉर्मेट रखना है। यहाँ पे फॉर्मेट पे आप अपना जो है वो वीडियो के हिसाब से जो है वो आप फॉर्मेट रख सकते हो। यहाँ पे जो है मैं वीडियो फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, सेम टू सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट जो वीडियो आपकी फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।